खरगोन कन्या महाविद्यालय पर आयोजित 6 दिवसीय योग कार्यशाला का शनिवार को समारोह पूर्वक समापन हुआ। समापन समारोह में बतौर अतिथि पूर्व व्यास योग शिक्षक राकेश चौहान, धर्मेंद्र सिंह, प्राचार्य एम के गोयले, क्रीड़ा अधिकारी बी एल भाटे ने छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित कर योग को नियमित दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। अतिथियों ने कहा कि योग से न केवल स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि वर्तमान में योग रोजगार का साधन भी बन गया है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। जो मेन लक्ष्य है वहां तक आप पहुंच सको, तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि यही जीवन है, आप जो चाहो पा सकते हैं। तो आज मैंने आपको दो टॉपिक क्लियर किए, एक तो शरीर की शुद्धि कैसे होती है सत्क्रम के द्वारा, और जो प्राणायाम है तो उसके मुख्य घटक क्या थे और उसके लाभ क्या है और उसके प्रकार क्या है। एक सेशन में अच्छी कंप्लीट नहीं हो सकता, बहुत बड़ा ज्ञान है, एक एक टॉपिक पे ही, एक एक पॉइंट पे ही एक एक घंटे का लेक्चर होना चाहिए, तब तो कुछ आपके अंदर जाएगा। तो लेकिन मैं चाहता हूँ दो बार बोल के अपनी खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में योग एक फाउंडेशन सब्जेक्ट है, एक ऑफिस सब्जेक्ट है, और इस टाइम पूरे भारत में उभरता हुआ कैरियर योग है। जी नमस्कार, हरिओम जी, मैं राकेश चौहान योगाचार। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से फाउंडेशन पाठ्यक्रम में योग को पिछले साल से जोड़ दिया है, उसी की कार्यशाला हमने यहाँ आयोजित की है। यहाँ आपके खरगोन जिले के शासकीय कन्या महाविद्यालय में 6 दिवसीय कार्यशाला का हमने आयोजन किया, जिसमें योग का इतिहास, योग को कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके करने का तरीका है, योग के आंतरिक अंग, बाह्य अंग, श्वसन तंत्र हमारा किस प्रकार से होना चाहिए, श्वसन से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। आज आप देख रहे हैं कि ठंड का मौसम चल रहा है तो शरीर में वात पित्त कफ का प्रकोप बढ़ जाता है, और योग यदि हम नित्य अभ्यास करते हैं तो आपको लाभ होता है। दूसरी बात यह है कि ये फाउंडेशन में आने के बाद एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, जिसमें 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उससे संबंधित चीज़ें हमने सभी समस्त बालिकाओं को बताया, और बालिकाओं को में उसका उत्साह काफ़ी अच्छा रहा, उन्होंने पूर्ण मनोयोग से योग सीखा भी, किया भी, और उसका उनको लाभ भी होगा। तो ये 6 दिवसीय प्रशिक्षण काफ़ी सफल रहा है, और इन सभी के लिए और छात्राओं का सभी का धन्यवाद करते हैं। ये 19 तारीख से प्रारंभ हुआ 6 दिवसीय योग प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा महाविद्यालय की छात्राएं लाभान्वित हो, इसलिए कि योग से मतलब जो है बहुत सारी बीमारियों पर रोक लग सकती है, स्वास्थ्य ठीक रह सकता है, और जिन छात्राओं ने 6 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है ये केवल उनका अपना ही हित लाभ नहीं होगा, बल्कि ये मैसेज और जिन बीमारियों को दूर करने के लिए कौन सा मतलब योग किया जाना चाहिए, ये मैसेज जो है अपने परिवार में भी, समाज में भी और गांव में भी मतलब ये देगी। इसके लिए हमने विशेषकर इसके योग प्रशिक्षण मुख्य करता है, हमने नर्मदापुरा संभाग से उनको आमंत्रित किया था और उनके द्वारा ये प्रशिक्षण, इस 6 दिवसीय प्रशिक्षण में अलग अलग महाविद्यालयों से जो योग से संबंधित टीचर थे उनको भी बुलाकर हमने मतलब जो यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप से और थ्योरी रूप से बच्चों को लाभान्वित कराने की कोशिश की गई। तो भी अच्छा लगा सर, बच्चे बता रहे थे बहुत अच्छा लगा। हमने फिर अंत में मतलब बच्चों को बुलाकर उनसे फीडबैक लिया और उस पर उनसे जानकारी प्राप्त की, तो कुछ छात्रों ने अपने फीडबैक में ये बताया कि हम इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं, हम तो लाभान्वित हुए ही हैं, हम जो है दूसरों को भी लाभान्वित करेंगे, उन्होंने अपने फीडबैक में ये बात कही। मैं डॉक्टर एम के गोखले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।